जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घर वापसी की इस नई वीडियो में। अब हम वापस लौटने वाले हैं सारे घाटों को देखकर। तभी हमने नाव वाले भैया से कहा कि यहाँ पर रोक है क्योंकि हमको बड़ी मठ देखनी है। ये यहाँ के कोई स्थानीय देवता हैं जिनकी कुछ खंडित मूर्तियाँ हैं। तो चलिए अब हम प्रस्थान करते हैं बड़ी मठ की ओर। ये जो बड़ा सा दरवाज़ा आप देख पा रहे हैं, ये इस बड़ी मठ का दरवाज़ा है। अब यहाँ पर क्या होता है, क्या नहीं, क्या सिखाया जाता है और किसकी सेवा होती है, ये तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। एक मिनट, यहाँ के बोर्ड पर लिखा है बड़ी मठ। यहाँ आसपास काफ़ी सारे पेड़ हैं, यानी कि घना जंगल है। डलमऊ वैसे ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है। और ये यहाँ का बड़ा ही खूबसूरत दरवाज़ा है। दरवाजे के दोनों तरफ शेर हैं और ये काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर से काफ़ी बड़ा दरवाज़ा बना हुआ है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब हम अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर एक काफ़ी बड़ा मैदान है। इसको देखकर यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर गायों की सेवा भी होती है और कुछ विद्यार्थी भी रहते हैं। ये तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ आखिरकार क्या क्या सेवाएँ दी जाती हैं और किस प्रकार से यहाँ पर भजन कीर्तन पूजा होती है। ये कोई बोर्ड लगा हुआ है श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव का, लेकिन गुरु पूर्णिमा तो निकल चुकी है। चलिए अंदर देखते हैं क्या होता है। काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, या मोरों की, पहाड़ों की, पक्षियों की। और ये मठ का परिचय है 1184 से लेके अब तक का, यानी कि काफ़ी पुराना है यहाँ पे। हाँ, हमारा अंदाज़ा सही निकला है, गायों की सेवा होती है। और यहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा रानी का बड़ा ही प्यारा मंदिर है। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर राधाष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई गई थी, उसी की यह सजावट दिख रही है। और यहाँ पर सारा कुछ काफ़ी पुराना बना हुआ है, यानी कि तकरीबन इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये 400-500 साल पुराना स्ट्रक्चर है। यहाँ पर संस्कृत के विद्यार्थी संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं। और ये एक शिवालय है बिल्कुल गंगा किनारे, बिल्कुल इसे कहा जाता है छोटी काशी, इसी वजह से ये शिव जी विराजमान है। और ये क्या, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर आराम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गंगा जी से ना, सामने गंगा जी हैं, वहाँ से बड़ी ही ठंडी हवा आ रही है इसी की तरह। तो अंधेरी की वजह से आपको दिख ना पा रहा हो, कैमरे को लाइट की ज़रूरत है और लाइट उतनी पर्याप्त है नहीं, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी आराम फरमा रहे हैं। खैर, बड़ी ही सुंदर जगह है। कभी आपको मौका मिले तो आप इस जगह पर बिल्कुल आइएगा, डलमऊ के गंगा किनारे बड़ी मठ। चलिए अब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऊपर क्या है। वैसे ये जो आंगन है, आंगन में पेड़ है और काफ़ी सारे मंदिर हैं, बड़ा ही मनोरम दृश्य है। यानी कि ऐसा लगता है कि आप कहाँ पर पहुँच गए। ये है दानव ऋषि का मंदिर। एक तरीके से ये कहा जाता है कि जो डलमऊ है, डलमऊ में एक ऋषि हुए, बहुत ही बड़े ऋषि, जिनका नाम दानव ऋषि था और उन्हीं के नाम पर डलमऊ पड़ा अपभ्रंश होकर। ये हमने जो ऋषि जी की जो मंदिर है इसकी परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लकड़ी वगैरह कुछ टूटे वूटे सामान पड़े हुए हैं। लगता है कि इस आश्रम की देखरेख ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है, लेकिन मैंने कुछ नीचे देखा था यहाँ पर शायद योगी जी भी आए हुए हैं। अब हम ज़्यादा देर न करते हुए इस मंदिर की छत पर पहुँच चुके हैं और इसकी जस्ट बगल में छोटी मठ है। और ये आसपास के वॉशरूम वगैरह बने हुए विद्यार्थियों के लिए। और ये है यहाँ की किचन, ओपन किचन। किचन ये उसी तरीके से बनी हुई है जैसा कि कहा जाता है ना आयुर्वेदिक में और इतिहास में, कि किचन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर हवा, पानी और सूर्य का स्पर्श होना चाहिए। पानी तो खाना बनाने में यूज़ होता है, लेकिन हवा और सूर्य की किरणों का स्पर्श होना चाहिए खाना बनाने में। ये किचन बिल्कुल उसी के अनुरूप बनी हुई है। और ये है हमारी पवित्र पावनी माँ गंगा। ये जो बड़ी मठ है ये बिल्कुल गंगा किनारे बनी हुई है और यहाँ पर संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। और आप चाहें तो यहाँ रुक भी सकते हैं एक दो दिन आके, लेकिन यह है कि आपको यहाँ पर अपना नाम, पता सब कुछ लिखवाना पड़ेगा और सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे और हेल्प भी करानी पड़ेगी। तो मतलब आप अगर
कुछ जीवन में नया चाहते हैं और कुछ दिन की शांति चाहते हैं तो इस जगह आकर ज़रूर रुकें। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही शांति प्रिय, आपका मन हृदय खुश हो जाएगा। तो हम आपको ये है यहाँ के आंगन का दृश्य। तो अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ बंदर हैं, देखिए ये गंगा जी में कूद कूद कर नहा रहे हैं और तैर तैर कर नहा रहे हैं। और ये यहाँ के आस इस घाट का दृश्य है। माँ गंगा अभी उनका पानी काफ़ी ज़्यादा चढ़ा हुआ है और अब हम नाव में बैठ लिए हैं और आगे की ओर बढ़ने वाले हैं।